नमस्कार, आज की खास खबर। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर रिलीज होगी ब्रजभूषण की फिल्म टीन एजर लव स्टोरी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर से ट्रैक पर वापस आने लगी है। तभी निर्देशक ब्रजभूषण की भरत गांधी और जोया खान स्टारर फिल्म टीन एजर लव स्टोरी की डबिंग मुंबई में शुरू हो गई है। फिल्म की डबिंग इन दिनों जोर शोर से ब्रजभूषण की देखरेख में चल रही है। इस दौरान उन्होंने फिल्म रिलीज के डेट की भी घोषणा कर दी है। फिल्म इस वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को रिलीज होगी। जहां तक फिल्म की बात रही तो ब्रजभूषण ने इसके बारे में बताया कि फिल्म का नाम टीन एजर लव स्टोरी इसलिए रखा गया है कि टीन का मतलब 13 से 19 वर्ष होता है। इसी एज ग्रुप के लोगों की कहानी है टीन एजर लव स्टोरी। उन्होंने कहा कि दर्शक 13 से 19 के हों या उससे ज्यादा के भी हों, तो भी वो इस एज से जरूर गुजरे होंगे। इवन 70 साल के बुजुर्गों ने भी इस अवस्था को पार किया है, इसीलिए हमें उम्मीद है कि ये फिल्म उन्हें भी पसंद आनी चाहिए। ब्रजभूषण ने कहा कि इस फिल्म में खासकर मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है, जिसमें कॉमेडी, एक्शन, इमोशन, ग्लैमर भी दिखेगा। लोग मुझे वेजिटेरियन डायरेक्टर के रूप में जानते हैं। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बड़े वेजिटेरियन हैं। नो डाउट फिल्म ये भी साफ सुथरी है, लेकिन साथ में मनोरंजन का स्पेशल छौका भी मिलेगा इस फिल्म में। ये फिल्म वैलेंटाइन डे पर 14 फरवरी को रिलीज की जाएगी। जल्द ही इस फिल्म के दूसरे पार्ट टीन एजर लव स्टोरी 2 की शुरुआत भी की जाएगी। फिल्म टीन एजर्स लव स्टोरी का निर्माण सिद्धि विनायक आर्टिस्टिक इमेजिनेशन के बैनर तले हो रही है। फिल्म में भरत गांधी, जोया खान, संजय पांडे, माया यादव, अनूप अरोड़ा, पुष्पा वर्मा, प्रेमा किरण, आयास खान, राजेश गुप्ता, गोपाल गुप्ता के साथ मृदुल शरण, के गोस्वामी, कमाल सौरभ और रेखा शर्मा भी मुख्य भूमिका में हैं। आदित्य मोहन मेहमान कलाकार के रूप में फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म के निर्माता प्रगति धीरज सिन्हा, PRO संजय भूषण पटियाला है, गीतकार संगीतकार विनय बिहारी है, सिनेमेटोग्राफर त्रिलोकी चौधरी है, आर्ट डायरेक्टर अंजनी तिवारी है।